सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार करमू की राम राम। जो इमारत में ताला है 22 तारीख ना रही लाग जगह, ये नोटिस है, नोटिस आ लिया है और ईव आप इसमें एक पड़ताल करांगे। अभी जो ताला लग गया लगेगा वो ठीक लगेगा गलत लगेगा जायज ना जायज। फिलहाल आप देखो मेरे पीछे विनोद नाम का एक बंदा खड़ा है जिसकी यह दुकान ऊपर मकान है और अपना इसका मैं जितनी आराम से बात कर रहा हूँ इस आदमी का है दिल के अंदर धक 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 चल रही है। क्यों? क्योंकि 22 तक ना ताला लग जाएगा। जो इसने पूरी जिंदगी की खून पसीने की कमाई करी थी, खून पसीने की मेहनत कर करके जो कमाया था उस पर ताला लग जाएगा। आप बात से सरफेसिया एक्ट की बात करा, सरफेसिया एक्ट में ये नियम बना दिए गए भी कोई भी दखलंदाजी किसी की चले नहीं गई। हालांकि पिछले दिनों मैंने थोड़ा कांड कराया था और वो भी मानवता को बचाने के लिए। आज आप ह्यूमन राइट की और फंडामेंटल राइट की बात भी करांगे। जब नीरव मोदी, जब अडानी अंबानी या फिर एक और कौन था रो किंग फिशर वाला विजय माल्या वो भाज्य है, उसका कोई जाम नहीं। बात इतना तक है जे सरकार ने कहा बोले भाई चलो ब्याज तो छोड़ दे तू आ दमूड़ दे दे। ये हालात है, यानी कि एक अंडी में दो पेट, अमीर का धनाढ्य का बड़ा ठग का तो सब कुछ और एक लाचार बेबस जो कि नुका बोले मैं भर दूंगा मैं तैयार हूं। इसका जो पेंडिंग है 13.5 लाख रुपए 13.5 लाख इन्हें भर रखे हैं, 21 लाख ने लिए थे बाकी वो भरना चाहे है। उसके बावजूद भी बैंक किसने धक्का देने का तू डिफॉल्टर है, धक्का देने का तू डिफॉल्टर डिफॉल्टर डिफॉल्टर। और सुनो जब कोरोना काल आया तो किसने लाई थी यार लॉकडाउन, किसने लगा था जी? सरकार ने। तो जिस सरकार ने लॉकडाउन लाया तो सरकार ने नूबी चाहिए इनको रिलैक्सेशन दी जाए। गलत क्यों भाई? जिस सरकार ने लॉकडाउन लगाया, हालांकि विदेश के अंदर जब लॉकडाउन लगा तो घर में बैठे बैठे सारी फैसिलिटी दी गई थी और उनके जो क्राइसिस आए थे उसकी पूर्ति करी गई थी। अरे कोई पूर्ति नहीं, आर तो गापन उनमें छिड़कड़ खाते रह जाए। और ये जो ताला, इसकी किस्मत पर ताला ला लो आप, मानवता का जो एक मानवता है उसके ऊपर ताला, यानी कि मानवता का अनुरोध लाई रह गए। अंधेरा में जब उन्हें मां कह दे तो चंद्र में ध्यान रखना चाहिए। या गलती जो सरफेसिया एक्ट में कुछ और ही होगी। अगर भाई आप ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट का ध्यान नहीं रखते तो आपने क्यों नहीं उसमें सुधार कराया जाता, सुधार करना चाहिए कि नहीं? और बैंक तो बड़ा कोई लुटेरा नहीं, मैंने कहा था, हमने कहा था हम बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना पके बिना डरे बिना दबे बिना हटे बेबाक पत्रकारिता कराएंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। मेरे सिर पर जो पगड़ी है यो मेरा कफन भी है, इसलिए कफन है क्योंकि जब आदमी मर जाए तो उसके ऊपर सफेद कपड़ा ढका करें। हमने कहा है मानवता को बचाने के लिए, बोला जब जब आएगी मानवता पर आंच तो हथौड़ा भी उठेगा माइक के साथ। यह कोई दादागिरी नहीं हमारी यार, लेकिन मानवता को बचाने का तो करना पड़ेगा। आ जाए भाई, एक बेबस अलाचार पीड़ित शोषित वंचित ऐसा है कि के शब्द दूं मैं कम है इसके लिए, क्योंकि जिन्हें अपना काम जमा रखा है आज मतलब परसों अमला जमला आजेगा, पुलिस आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी, डीसी साहब का उठ रहे। मैं डीसी साहब से हाथ जोड़ के कहूं डीसी साहब आप में भी इंसानियत है मानवता है, आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है। हमने व्यापारी भाइयों के लिए मास्क की लड़ाई भी लड़ी थी, जेल भी मारी हुई थी, उसके बाद चौथे दिन सरकार झुकी थी क्योंकि हमने कहा था एम्स के कह रहा है, गुलेरिया के कह रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री के कह रही है और WHO के कह रहा है और अपनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्या कह रही है, हमने बताई थी सारी बातचीत में। हमने पापड़ पाटे रजाई का उछाड़ता रहा तो बेरा पट गया था, लोग गड़कड़ करता बैठ रहे हैं। और उसके बाद चौथे दिन सरकार झुकी थी और ये सारे व्यापारी मार दिए थे, इनके लोग काम था वाले चुपके रहने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले पिंजरे के पंछी, तेरा दर्द न जाने कोई। कितने पीछे भरे हुए, कितने पैसे लिए थे? 1.5 किलो कागज दिखा के धर ले, खड़े हो कागज ठहले और बड़ो टकड़े देखे रहे। अरे यू दुकान चला गो इन कागज में फुरा होगा अपनी। देखो व्यापारियों के लिए चिंता का विषय, यू सारे व्यापारी भाइयों ने पहले भी साथ दिया था, आज भी इस वीडियो ने शेयर सुबह शेयर पर शेयर करके व्यापारी भाइयों का जो नजायज मार है उसके खिलाफ मारिय जंग है, संक्रांत है और यू ऐलान जंग है। इस ऐलान जंग के पीछे मकसद कोई दादागिरी नहीं, सिर्फ मानवता को आप मरे खातर ना बनो जिंदा से मेरा लोग बनो। मेरी पत्रकार बिरादरी, मेरी मीडिया बिरादरी, उन तब मैं कहूं आओ देखो चौथा स्तंभ की पत्रकारिता का तकमा जो ले रहे हैं उसकी जिम्मेवारी को निभाओ, डरो ना। आप ये देखिए भरोसा ठहरा है, कितना लोन लिया था विनोद भाई? 1.5 लाख। 1.5 लाख, अच्छा भाई 1.5 लाख में कितने भरे भाई?
पौने 14 लाख भर लिए। बाकी तरफ है कोई नहीं, क्या क्यों नहीं भरवाई? 30 लाख रुपये और मांगे जी। लॉकडाउन में 5 किस्तों का सुविधा मिली सरकार की, वो कोई और मैंने ले ली थी। अच्छा, और लॉकडाउन खुल गया, मैंने फिर किस्त शुरू कर दी। अच्छा भाई, काम चल पड़ा। हाँ जी, फिर वो 1700 रुपये फालतू लिया करते मेरे किस्त के, मैं वही भरता रहा। फिर मैंने जिस टाइम डिटेल कटाई थी, और 1700 के उन्हें किस्त बढ़ाई दी, 180 की 202 कर दी और 132 की 147 कर दी। अच्छा, 132 की 147 कर दी। अच्छा, क्यों? बस पूछे जे बैंक ने जवाब नहीं दिया भले, इसका हमारे पे कोई जवाब नहीं। और फिर जिस टाइम ने उन्हें जवाब नहीं दिया, मैंने वो अपना किस्त बंद करके कंज्यूमर केस कर दिया। अच्छा, मेरा जो जायज फैसला कराया था, मैं पैसे भर दूंगा। उन्हें नहीं कहा, उन्हें डीसी का केस कर करी और मतलब इसका 22 लोगों का नोटिस भेज दिया। सुना भाई, और काम ना करो बोला, हमारा कुत्ता कुत्ता तारा कुत्ता टॉमी, खुद करे तो रास लीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। मैं ये बात कहूँ प्रशासनिक अधिकारियों, तो कहूँ बैंक करे, तो कहूँ जब तुम 100 के 100 हो तो हर तले जो लोन। और भाई मैं बताऊं, जनता खुद एक सरकार, अपनी ताकत को पहचानो। जनता खुद एक सरकार है, ये राजनीति वाले लकड़ बगे बागड़ बिले कुकर मुते दौड़ कपारिये वगैरह, ये तो खून चूसे ने, आज आज भी चूस रहे हैं, पहले भी चूसा है, आगे भी ये खून चूसेंगे। फूट डालो, राज करो, इनका काम है। आप एक बात का लाओ अंदाजा, जिस आदमी ने 14.5 लाख भर दिए हूँ और बाकी इनको बिना मैं भरने तैयार हूँ। जब बैंक भी, बैंक ने जो करी इसके ऊपर आरोप लगाए नहीं भाई, नूर नू गड़बड़े। और जब बैंक जो 132 की 137 बनाया गया किस्त, 137 की है, 132 की 147 किस्त बैंक ने जो बनाई है, जो इसकी बात में दम है, जिसमें सच्चाई है, तो बैंक इस बात की जवाबदेही दे देगा। मैं डीसी साहब तक कहूं यह बात, डीसी साहब आप इस बात पर गौर करो, इस बात पर गौर करो। बैंक काले कौन सा है भाई, बैंक कौन से है? मैग्मा फाइनेंस पुणे वाला हिसार। मैग्मा फाइनेंस पुणे वाला हिसार, मैग्मा फाइनेंस। मेरी बात सुनो माननीय डीसी साहब, मेरा एक निवेदन आपसे, आप इस मामले में एक पक्ष बैंक का हो गया, क्यों? हम तो मीडियोटर, हम तो अपनी जो जनता की पीड़ा है वो लोगों तक पहुंचाने लग रहे हैं। यदि बैंक अपने काम में 100 का 100 है, अगर है तो फिर हम भी तैयार भाई इसको रिलैक्सेशन देके, और यू किस बनने तैयार हम रहे भाई, किस तरह की पीछे बनने तैयार हो जी, तैयार है बस, यू तैयार है बस, जो जायज पीछे बना वो ले लो, टाइम दे दो जायज। बात सही है, बात बिल्कुल सही है, जायज। अन्याय ना करो ना सहो, अन्याय करना यदि पाप है तो अन्याय सहना महापाप है। मैं डीसी साहब से हाथ जोड़ के फिर कहूं, आप इस मामले में देखो, ये जो बैंक है मैग्मा फाइनेंस की बात करी ने, इस मैग्मा फाइनेंस के उस पहलू को भी देखो, आग भाई 132 की 149 कैसे बनेगी, और के कमिटमेंट में फिर भाई में? एक 180 की किस्त की 202 बनाई थी, इसमें दो किस्त क्यों करे, दो लोन थे जी, दो लोन थे, दोनों का 132 की बना दी 149 और 180 की बना दी 202। जाए तो उठ रहे मेरा छो, क्यों 180 की 202 बनाई, गलत बनाई, ठीक बनाई भाई? 180 की 202 बनाना कोई नैतिकता है? बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत। यानी कि इस बेबस आदमी की इस प्रॉपर्टी पर उनकी जीप आगे लपर लपर है, और मैंने सोचा इसका मरा के ताड़ा, इसका ऑक्शन कराकर मन मानी के पीछे कूट लिया। बहुत तकड़ी नजर हुआ बैंक का, मन तो बेरा बैंक का चालबाजी, बैंक नु देखा कॉर्नर का, लोकेशन का, बंद गली का, सारी लोकेशन। बैंक कहेंगे प्रॉपर्टी डीलर है ये, बैंक है प्रॉपर्टी डीलर, ये लोकेशन देख लें, ये देख लें, इस आदमी को डिफॉल्टर बनाना कैसे है, इस आदमी को डिमोरलाइज करना कैसे है, इस आदमी को डिमोटिवेट करना क्यों करे, ये फार्मूले बना लिए जा। और बिना रस्सी बिना बाल्टी कुआ मैं तो पानी काट के दिखा विनोद, या कंडीशन ला दे बैंक भाई, ना तेरा काम चालन दे, तेरे को हरासमेंट भी देवगा। ये कानूनी जुर्म है, कानूनी जुर्म है, ये कानून कहता अपनी, सुप्रीम कोर्ट कहती है ये बात भाई, आप किसी को हरासमेंट नहीं दे सकते पैसे के लिए, डिप्रेशन नहीं उसके डिप्रेशन में डाल सकते, क्यों जी? कानून है भाई, जब कानून की बात है तो डीसी साहब आपसे कह रहा हूं मैं, नोटिस आपकी तरफ से, मेरा आपसे निवेदन है, ये जो ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट की जो हनन हो रहा है, मानवता का हनन हो रहा है, तो इस बात को भी नोटिस करो आप। लो यह नोटिस, ये नोटिस आप देख रहे हो, तो यह भी बात है, बैंक इसने जानबूझ के ही साथ उन काम कर रहा है। बोले जा तुम बड़ा किस्ते पर के दिखा दिए, तेरे तो प्रॉपर्टी पर कब्जा करके ताला लाके ऑक्शन करके बेच देंगे, क्योंकि क्या करे उन्हें 14.5 लाख तो वो ले गए, 21 लाख के ई बरा गया, बाकी इसके लगभग 7 लाख मूल और ब्याज या कितने की बिक जाएगी भाई इसकी ऑक्शन में, पूछो चलो मैंने उनका ना बेचनी है, अंदाजा कितने की होगी? 50 लाख की मिल जाएगी भाई,
तो नजर है 50 लाख पे, इसके 7 लाख और 10 लाख और टोटल बैंक कितने मांग रहे हैं? 21 लाख के बदले 26 और मांग रहे हैं। देखो बैंक ने कंडीशन लाई, 26 और मांग रहा है, 26 14 यानी कि 40 लाख टोटल है, नहीं 26 14000 है ना इसके, 40 लाख तो 21 लाख लिया इसने लोन, 40 लाख यू लेगा बैंक। अरे कौन सी पॉलिसी है यार बताइए जी, ब्याज की भी आदो इम्तिया है, ये ब्याज है कि अगले के मतलब घर उजाड़ना चाहवा जी है। 50 गज की जगह के ऊपर कोई भी ऑक्शन नहीं करा सकता, उसका रहने की जगह है हाँ। ना तो कोई गवर्नमेंट करा सकती ना कोई और करा सकता। 50 गज जगह कुल है उसके पास, एक नीचे दुकान है एक ऊपर छोटा सा मकान है। 2020 में रोटी हमारे से लंगर में लेके आता था, अच्छा। काम बंद थे बिल्कुल हाँ। इसके पास पैसे कहाँ से आए? रोटी तो हमारे से लेके आता था ये, दोनों टाइम की बच्चों की रोटी भी अपनी रोटी भी, ये पैसे कहाँ से देगा? आता था राजनीति लगे डाल गप्फे लग रहे हो फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं। ये 14 मतलब 20 लाख के 40 लाख मंगे, जिंदगी 14 लाख तो इन्हें बहुत पहले भर दिए। देखो इसका कैसी कंडीशन लगा दी, काम इसका कोरोना में बंद था, सारे व्यापारी भाइयों का मामले बेरा है। एक तरीका क्या तो यार इस पे इतना इंटरेस्ट ठोक दिया, इतना इंटरेस्ट ठोक दिया, अब भी इसका खुद का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा इसमें। 1700 रुपए जो 1.5 लाख की किस्त टूट गई वो ले रहे हैं एक्स्ट्रा, अच्छा वो भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं जिस पे कि नो नियम था भाई छोड़ने हैं, तो नहीं जिस ने 1.5 लाख रुपए नहीं भरा उसका 1700 रुपए अलग से ले रहे इंटरेस्ट, फिर बताओ ये 40 लाख कहाँ से देगा? बताओ 21 के 40 लाख बिल्कुल गलत है काम, बिल्कुल गलत है भाई, कड़े बिल्कुल नजायज काम ला रहे हैं। करण जी इसका 20 लाख रुपये उसमें से 14 लाख तो भर चुके हैं, जो इसका 6-7 लाख अमाउंट रही है उसकी 26 लाख मांगना है बिल्कुल फांसी देने के बराबर है, बिल्कुल गलत है जी। इसकी गलती बैंक की गलत कर रही बैंक, बैंक वो बिल्कुल गलत कर रहा है जी बैंक, इसमें बैंक वालों की गलती है, बिल्कुल बैंक वालों की गलती है। मैंने बैंक वालों को बुलाया था जी, उनको कहा था कि सही सही स्कोर निबेट दो, 7 लाख रुपए इसने देने हैं अभी 15 ले जो आप, लेकिन वो बोले नहीं हम तो 26 लाख 13 हजार रुपए ही लेंगे। लालच पड़ गया ना, लालच पड़ गया हाँ जी। ये बैंक की सरासर गलती है। एमएस बोल भाई, पैसे ये तो भरने के लिए बोल रहा है, तो पैसे टाइम तो देना चाहिए इसको एकदम, तो कोई कितना बड़ा व्यापारी वो भी नहीं ले सकता है, ऐसा तो है नहीं, इसने भरने रखे पहला भी, इसने 13-14 लाख रुपए भर रखे हैं तो भर सकता है, ऐसी बात नहीं, इसको टाइम मिलना चाहिए। चलो मैं इसके कैले भरवा दूंगा पीछे सारे भाई, मैं कैल भरवा दूंगा, आज नीरव मोदी के पीछे ले आओ, आज विजय माल्या के पीछे ले आओ, कैल मैं दूंगा अपनी जेब तक मैं दे दूंगा भाई, इसके गलत नहीं कह रहे भाई, मैं इसके पैसे अपनी जेब तक दे दूंगा भाई, चाहे मन्ना अपना मकान बेचना पर जो मैं दे दूंगा, लेकिन शर्त हमारी है भाई नीरव मोदी और विजय माल्या के जो पीछे हैं वो ले आओ आज की डेट में, कल मैं पीछे दे दूंगा इसके, मैं दे दूंगा। और बात है अडानी अंबानी की भी, आप जब क्राइसिस में आओ तो बड़ा सरकार का हाथ रहो आपके ऊपर, कोई बात नहीं जी कोई नहीं, हम ध्यान रखेंगे आपका, क्यों घबराते हो? फिर बैंक उनके कर दे माफ भी, उनके माफ तो इसके माफ क्यों नहीं, ये लड़ाई है सच और झूठ की, ठीक और गलत की, न्याय अन्याय की, जायज नजायज की, सही और गलत की लड़ाई है यार, तो गलत है। तो दूसरी बात एक निवेदन करा डीसी साहब से, सारे की तरफ से निवेदन, एक बार सारे हाथ जोड़ लो भाई, डीसी साहब का हाथ जोड़ लो, पीछे था मोहित तू पीछे था बेटे, ये सारे हाथ जोड़ रहे भाई और मैं भी हाथ जोड़ रहा हूँ डीसी साहब, यू भाई बना था वह लोन, लेकिन बैंक ने सोचा पीछे तो इसका इसी कंडीशन ला दिया, बिना रस्सी बिना बाल्टी कुआ मतलब पानी काट के दिखा, या फिर इसी कंडीशन लगा दिया अभी इतना ब्याज इस पर ला दिया, अब भाई यू खुद अपना कुछ गलत सोच ले जो भी गलत भी सोच के भाई हरासमेंट में, या फिर बैंक ने सोचा है अब भी मार्केट बैठ ले टेबल पे, यू टेबल पे बैठ के सेटलमेंट कर ले, तो ये क्या है यार, या बैंकिंग है कोई? तो डीसी साहब हाथ जोड़ा हम आपसे, आपसे एक बार जोड़े भाई सारे हाथ इसको टाइम दिलाने के लिए, एक बार बोलो मेरे गले गले, सारे बोलो सारे मिलकर पीछे था भाई, सारे गले मेरे गले बोलियो, मान्य इस डीसी साहब यहाँ फतेहाबाद के, हाँ फतेहाबाद के मान्य फतेहाबाद के डीसी साहब, हम आपसे हाथ जोड़कर मानवता के नाते विनोद कुमार का लोन भरने का वक्त बढ़ाने की रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया हमारी बात को मानकर
कृपा करें, मानवता को बचाए। ज्यादा बनाई है उन किस्तों को कम करके जो सही बनता हूँ ना, हाँ, ये भरने के लिए तैयार है, बिल्कुल हम सारे बैठे हैं। ये भी बात है भाई, जो बैंक ने 132 की 49 बनाई थी, 180 की 202 बनाई थी, वो ठीक कर लो। अब जो है यू टेम सर बदलेगा, और देखो हाँ पंचायत की बात है, 5 आदमी बैठ जाए नी तो पंचायत हो जा रही है, पंचायत भी फैसला है, लाइव चल जा रही है, जायद से कोई पीछे नहीं भाई। डीसी साहब ने इनको बुलाया भी नहीं, नोटिस वैसे काट दिया। डीसी साहब ने ये सुनने तो चाहिए थी ना भाई, तेरा क्या कसूर है, तूने क्यों नहीं भरे? कोरोना में जब सरकार ने छूट दी थी किस्ते कम भरो, वो किस्ते उन्होंने बढ़ा दी, तो डीसी साहब ने इनको सुन के फिर नोटिस काट देते, खास बात नहीं थी, बिल्कुल सही बात, ऐसे ही अंदाज। और सुना भाई, व्यापारी भाई जो से भी तुम देखने लग रहे, उन्होंने सोचियो बिना, एक बात बताऊं, आज इसके लिए कल तड़के लगूंगा मैं सारे व्यापारी भाई, तो इस वीडियो ने 20-20 ग्रुप में शेयर करियो, ये लड़ाई तारी है, नूना सोचा रो बोला मुझे क्या तुझे क्या, इसका क्या मेरा क्या, ये मेरा नहीं है उसका मामला है। अरे भाई ये व्यापारी व्यापारी एक व्यापारी बिरादरी की बात है यार, सारे एक हो जाओ, 20-20 ग्रुप में शेयर करो, किसी ने शौक को नहीं कैमरा पाया नू बताना भी मेरा ताला लगा है, या इस खातर हिम्मत से ही है ये इसने बतानी पड़ी है मजबूरी में भाई मेरा ताला लग गाड़ है, मरता क्या नहीं करता। तो आप भी बताइए कमेंट करके, इसके लिए जो बैंक ने सिस्टम अपनाया है, इसको नोटिस भिजवाया है, तो वो ठीक है गलत, आपने के लागे पूरी राय अपनी कमेंट बॉक्स में व्यापारी भाई तो खास कर दियो, और हम आपका साथ तन मन धन देने तैयार हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये लोन भरना था इसको 2031 तक, हाँ, तो बैंक को ऐसी क्या जल्दबाजी है कि इतनी जल्दी नोटिस निकाल दिया इसको? ये प्रॉपर्टी दिखा ना, प्रॉपर्टी हड़पने का प्रोपेगंडा है ये प्रॉपर्टी हड़पने का प्रोपेगंडा 2031 तक का टाइम है, कागजा जाते भी अरे तो 2023 है, यानी कि धक्का देने डिफॉल्टर बनाने लग रहे हैं, जबरदस्ती डिफॉल्टर बनाने का फार्मूला बैंक का जो है, यू कौन सा कानून में सरफेसिया एक्ट में लिख रखे गए, मैं बताइयो। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तारा देसी पत्रकार करमू, जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। एक बार सारे मिलकर बोलो भाई, मैं कहूंगा जनता ही सरकार है, आप बोलियो हम सबकी हुंकार है, जनता ही सरकार है, 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 हम सबकी हुंकार है। कर दो शेर भाई।